फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, आज हम जिस ब्यूटीफुल फ्लावर की बात कर रहे हैं वो है ये है कैलेंडुला के फ्लावर्स। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सारे एक साथ लगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत इजी टू ग्रो फ्लावर्स। ये देखिए, ये है इसका ऑरेंज कलर और देखिए आपको दिखाती हूँ, ये है इसका येलो कलर। कुछ ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ ये नॉर्मल साइज़ के भी होते हैं। फ्रेंड्स ये फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है और ये धूप बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। ये देखिए पूरा बंचेस में खिले हुए फ्लावर्स हैं। ये देखिए अब देखिए, जो फूल सूख जाते हैं उसमें क्या होता है, आप इसकी इनकी सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अगले साल के लिए रख सकते हैं, बो सकते हैं। लेकिन मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ तो क्या होता है, ये फूल खुद ही यहाँ पर सूखते रहते हैं और गिर के दोबारा से इस जगह पे फूल खिल जाते हैं। देखिए पूरा फैले हुए हैं, बहुत इजी टू ग्रो पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स। देखिए हर ओर ये हो रहे हैं, थुज्जा प्लांट के नीचे भी हो रहे हैं। ये देखिए और जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरे हैं वहाँ पर ये प्लांट्स अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। जब ये फूल सूख जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, इनके सीड्स कलेक्ट करके इनको रख सकते हैं और फिर इनको बो सकते हैं। अभी कोई इसमें फूल सूखा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये अभी इसका खिलने का टाइम है। ये देखिए अभी फूल जैसे सूख गया, इसमें से हम बाद में सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट कैलेंडुला और बहुत सारे कलर्स और साइजेस में, साइज ये वाला तो छोटा नॉर्मल साइज है, बहुत बड़े बड़े साइजेस भी आते हैं इसके। ये देखिए ये भी है भगवान की उस कारीगरी। भगवान भी हर प्लांट को अलग अलग सिचुएशन में रहना, जैसे हर प्लांट अलग अलग सिचुएशन में रह सकते हैं, वैसे वो कहते हैं कि इंसानों को भी हर सिचुएशन में रहने के लिए तैयार होना चाहिए और जो भी सिचुएशन हो हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए। फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए अपने इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को, खुश रहिए और आसपास की दुनिया को खुश रखिए। बाय।